केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। सपा विधायक अतुल प्रधान व न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के ताजा तरीन विवाद के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। एसोसिएशन का कहना है कि वह इस प्रकरण में किसी हॉस्पिटल अथवा चिकित्सक के समर्थन की बात नहीं कर रहे, लेकिन भुगतान के वक्त इस तरह की होने वाली अराजकता का IMA पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आज फर्स्ट बाइट टीवी संवाददाता जिया ने कैमरा पर्सन अर्जुन त्यागी संग IMA सचिव डॉक्टर तरुण गोयल से उन तमाम सवालों पर वार्ता की जो इन दिनों हवा में तैर रहे हैं। चिकित्सकों द्वारा अपने मेडिकल स्टोर खोल लेने, नर्सिंग होम के ही मेडिकल स्टोर से दवा लेने का दबाव व नर्सिंग होम में अनाप शनाप बिल बनाने के आरोप पर भी संवाददाता ने सीधे वार्ता की। देखिए सर, अभी लगभग दो दिन पहले अतुल प्रधान ने एक प्रदर्शन किया था न्यूटीमा हॉस्पिटल में कि एक बच्चे का 4.5 लाख का बिल आया था। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या आप जानते हैं क्या इस बारे में? मैडम, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष या किसी अस्पताल का मैटर ना हो के ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है अस्पतालों में बिल के नाम पर हंगामा करना। IMA जो है इसका पूरा विरोध करता है। जैसे ये पूछा जाता है कि आप न्यूटीमा अस्पताल के साथ हैं या आप अतुल प्रधान जी के साथ हैं, ये मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि एक डॉक्टर किसी मरीज़ का पूरे जी जान से एक महीने तक इलाज करता है, उसको ये समझा दिया जाता है कि भाई पैसे जमा मत करना, जब बिल बने तो हमें बता देना, हम उसको देख लेंगे। और फिर जब बिल बन जाता है तो उसका एक गलत तरीके से हंगामे द्वारा धमका कर, उसका डॉक्टर का उत्पीड़न करके, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके, उसको हैरेस करके उसको कम कराया जाता है। किसी भी अस्पताल में डॉक्टर ये ध्यान रखता है कि मरीज़ का पूरा इलाज हो, कभी भी पैसे की वजह से उसको बीच में, इलाज के बीच में छुट्टी नहीं की जाती, उसका इलाज पूरा किया जाता है ये मानते हुए कि जब इलाज पूरा हो जाएगा तो मरीज़ पेमेंट कर ही देगा। इस प्रकरण में भी यही हुआ, पेशेंट पैसे नहीं जमा करा रहा था, तभी भी संबंधित डॉक्टर ने यही माना कि पैसे नहीं जमा हो रहे, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। बच्चा ठीक 20 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद, 5 दिन में दूध पीने के बाद बच्चा नॉर्मल तरीके से डिस्चार्ज हुआ। जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसको कहा जाता है कि बिल इतना बन गया, इतना कैसे बन गया, जबकि डेली मरीज़ के तीमारदार को संज्ञान में आया है कि बताया गया कि बिल आपका इतना हो रहा है, आपको पैसे जमा कराने चाहिए। तो ये जो हैरेसमेंट की एक प्रक्रिया बन गई है अस्पतालों में, संज्ञान में तो एक दो एपिसोड जाते हैं, उसके पीछे कम से कम हर रोज़ बहुत सारी घटनाएं हो रही होती हैं जो कई बार संज्ञान में नहीं लाता कोई भी डॉक्टर, और वो सोचता है काम कर रहा हूँ इसमें, चलो इस तरह से हो गया, उसको करते रहें। लेकिन इस तरह की घटनाएँ अब बढ़ रही हैं, जिसको कि IMA पूरा विरोध करता है, और IMA किसी भी डॉक्टर का उत्पीड़न इस तरह से नहीं होने देगा भविष्य में। एक ऐसी भी जानकारी आ रही है सामने लोगों के द्वारा कि जो दवाइयाँ बाहर सस्ती मिल रही हैं, वो मतलब हॉस्पिटल्स में जिन डॉक्टर्स के यहाँ, वो महंगी मिल रही हैं। मैडम, इसके लिए एक प्रक्रिया है कानूनी। अगर किसी मरीज को कोई शिकायत है तो वो CMO ऑफिस जाए और वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसा कि मतलब मुझे, मेरी जानकारी में है कि वो दवाई डॉक्टर के अलावा कहीं मिल नहीं सकती, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर अपनी दवा अपने आप बना रहा है, वो एक कानूनी प्रक्रिया द्वारा किसी एक नाम से रजिस्टर्ड होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लाइसेंस दिया होगा और उसकी MRP भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही है। वो कोई किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि उस पर वो 100 रुपये की जगह 200 रुपये छाप देगा, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है। अब अगर कुछ लाख दवाइयाँ मार्केट में हैं, उसमें से हर दवा हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये प्रचारित करना कि डॉक्टर ने अपनी दवा अपने स्टोर पर रखी हुई है, बिल्कुल गलत है। आप जिस प्रकरण की का भी जिक्र हो रहा है परसों वाला, उसमें एक उनकी ग्रीवेंस ये थी कि इसमें कोड नंबर लिखे हुए हैं, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, ये अस्पताल NABH की प्रक्रिया को फॉलो करता है।
एनएबीएच की प्रक्रिया में जब एक बिल दिया जाता है कोई भी दवा देने में, तो एक कोड का यूज़ किया जाता है जो उसकी प्रक्रिया का ही पार्ट है। हर दवा को आपको उस कोडिंग के तहत करना होता है ताकि गड़बड़ ना हो, मिलते जुलते नाम में पता चला कोई और दे दी, तो वो कोड की प्रक्रिया फॉलो करता है जो बिल्कुल फुल प्रूफ होती है। लेकिन जब पूरा बिल आता है बाद में, तो उसमें दवा के नाम के समेत पूरा बिल आता है। ये जांच का विषय है, सीएम ऑफिस के संज्ञान में है, वो कल पूरा दिन उन्होंने जांच की है। जो भी वो रिपोर्ट आएगी हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी भी अस्पताल में हंगामा करना या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, डॉक्टर को हैरेस करना पब्लिक प्लेस में, और कार्य में व्यवधान करना जिसमें कि और मरीज भी सफ़र करते हैं, सारे 6 सीरियस पेशेंट्स रहते हैं, वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। न्यायोचित काम हो, जैसी गाइडलाइन हमें मिलेगी सीएम ऑफिस से या सरकार से, वो हम फॉलो करेंगे। अगर कोई न्याय के अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है तो हमें कहा जाए, पर हम उसकी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन न्याय के उचित काम नहीं होगा तो फिर आइए मैं उसका विरोध। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।